बोलने से बदले का वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं एचएसबी के एक सर्वे की बात करते हैं। इस सर्वे में ये सामने आया कि 78% अमीर भारतीय विदेश में बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं या फिर कराने की प्लानिंग वो कर रहे हैं। भारतीयों की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा देश अमेरिका है, उसके बाद है ब्रिटेन, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। एचएसबीसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी ये भी बताती है कि ज्यादातर परिवारों के पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है। उनके बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 53% भारतीयों के पास अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए एजुकेशन सेविंग प्लान था। 40% पेरेंट्स का ये कहना है कि उनके बच्चे स्टूडेंट लोन लेंगे। 51% को उम्मीद थी कि उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर सवाल ये कि बच्चे विदेशों का रुख क्यों कर रहे हैं पढ़ाई के लिए? क्या भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पर उन्हें भरोसा नहीं है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम लेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। फोन नंबर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ अभिभावकों से बातचीत की, छात्रों से बातचीत की। शिवपुरी के छात्रों का क्या कहना है इस बारे में, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। HSBC की रिपोर्ट सामने आई है और वो बताती है कि भारतीय ज्यादा जो हैं वो फॉरेन कंट्री में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। इसके लिए वो लोन भी उठाते हैं, भारी भरकम किस्त भी अदा करते हैं। और अगर बच्चे खुद बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हमें फॉरेन कंट्री में ज़्यादा बेटर एजुकेशन मुहैया हो सकती है और यही वजह है कि उनका ड्रीम है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या भारतीय शिक्षा पर सवाल है या फिर उनका कोई और कारण है जिनके वजह से ये फॉरेन कंट्रीज़ में शिक्षा लेने के लिए ज़्यादा रुचि दिखाते हैं? क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप बता दीजिए। सर, व्हेन वी सी द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एवरेज इंडियन स्टूडेंट, सर, व्हेन दे थिंक दैट दे विल बी स्टडिंग अब्रॉड, when they are studying abroad, they also think that they'll have a better chance to settling down abroad itself, as they think that when they'll settle down abroad, they'll have a higher salary, better job opportunities, and also a key reason being that the social prestige they get in the society, that when we are seeing someone from abroad, we say that, oh my god, he's working or studying in abroad itself, he's an NRI, that's a prestige for him and his family, that's being his key reason to study or work abroad. सोशल स्टेटस बढ़ता है, कहीं ना कहीं सैलरी भी बड़ी मिलती है और बड़े जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी सामने आती है। ये बात इन्होंने साफ तौर पर कही। आप भी क्या इससे सहमत हैं? Yes, I agree with this, and the major reason is also in India education is about the reservation. In previous time the seats were reserved for the SC and ST, so at that time there was a need of the reservation, but in present time there is no need of the reservation, so due to this reservation the students are going for abroad to study instead of studying in India. Kya bhartiya shiksha par kahin sawal hai? Kya aapko lagta hai ki hame foreign hi achhi shiksha de sakta hai, Bharat nahi? सर आई थिंक कि जब इंडिया अच्छी शिक्षा दे सकता है बट वहाँ पे करप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप रिसेंटली नीट एग्ज़ाम्स का वो ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे भी करप्शन हुआ। जब रिजल्ट्स आना था उसी दिन क्यों वो है रिजल्ट्स आए नीट के एग्ज़ाम के, और करप्शन क्यों है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये एजुकेशन है, इसमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डोनेशंस चलते हैं, अंडर टेबल्स ब्राइब चलती है, ये एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर रही है। ऐसे इंडिया एक अच्छा ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा। हमें अच्छे एजुकेटेड लोग चाहिए, ना कि जो हमें ब्राइब दें और हम उन्हें अच्छा बना दें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? एक पेरेंट भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब्रोड ही शिक्षा का माध्यम है या भारतीय शिक्षा में भी कहीं गुंजाइश है? सर, एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी ब्राइट कि हम वहाँ पर अपने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी बहुत नई नई पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड ज़ीरो जब हम बात करते हैं सर, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। चाहे आप GM के कंसर्न में बात कर लीजिए, या आप हम बहुत सारे रील्स देखते हैं, आजकल बच्चे मीडिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वी नो कि जब हम रील्स देखते जा रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारे फॉल्ट्स भी देखते हैं कि यहाँ के टीचर हमें इस तरह से पढ़ा रहे हैं, किसी को संडेज की स्मेलिंग भी नहीं आ रही है। तो यहाँ ये क्राइटेरिया आता है कि जब हम टीचर्स को अपॉइंट करें, वी हैव नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स, तो क्यों हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में वो चीज़ इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं? मेरे को यहाँ ऐसा लगता है कि बच्चे अब्रॉड इसलिए लेना चाहते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अगर लिमिटेड सीट्स हैं उसके बाद उनको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है,
Now the cost of private colleges is very high. If you compare the cost of private colleges, if you want to do MBBS and if you do with a private college, then its cost is high. And if you compare it with other countries like in Russia and in Ukraine, their cost is very low. बिल्कुल, आपने जो कहा वो हमने सुना और हम आपको बता दें कि इन छात्रों ने कहा, इन पेरेंट्स ने कहा कि भारतीय शिक्षा राजनीति फ्री होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा करप्शन फ्री होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आवाज़ पीछे से ये भी आती है कि रिजर्वेशन फ्री भी होनी चाहिए। बच्चों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब्रॉड में शिक्षा सस्ती है, जॉब बेहतर हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बड़ी हैं। बहरहाल ये जो शिक्षा को लेकर भारत और विदेश के बीच में द्वंद्व है वो चलता रहेगा, क्योंकि शिक्षा कहीं से भी किसी भी तरह ली जा सकती है, लेकिन जो छात्रों के लिए, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स करते हैं वो भी कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है और यही रिपोर्ट बताती है HSBC की। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर तो बात हो ही रही है, साथ ही क्या अच्छे ऑप्शंस बाहर मिलते हैं फिर छात्रों को पढ़ाई के बाद, वहां पर सेटल होने के बाद, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। नागेश बंछोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीचर हैं सैट एग्जाम। जागृति सुरशेट्टी हमारे साथ हैं, विजिटिंग स्कॉलर हैं US यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जवाहर शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप कौर करियर काउंसलर हमारे साथ है। गौरव वैष्णव है हमारे साथ जो कि सिडनी में और वहाँ पर सेटल हैं पढ़ाई करने के बाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर संदीप कौर से है, करियर काउंसलर। संदीप जी, अभी हम बच्चों स्टूडेंट्स की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना था कि विदेशों में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो वहाँ ऑप्शंस अच्छे हैं, वहाँ का जो सिस्टम है वो भारत के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी हद तक बेटर है, वहाँ ज़्यादा उनको अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलते हैं जो कि उन्हें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जिसकी डिमांड आगे काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब मैं स्टेम कोर्सेज की बात करूं अगर, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन कोर्सेज में पूरा इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स को पढ़ाई मिलती है। उसके बाद लैब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। उसके बाद फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको एक साल का OPT मिलता है जो स्टडी वीज़ा के अलावा, और अगर वो स्टेम कोर्सेज में तो OPT एक्सटेंशन भी मिलता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको एक्सपोजर बहुत मिलता है अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज। जी, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है वहाँ पर। विजिटिंग स्कॉलर हैं जागृति सुरशेट्टी। जागृति, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का ये कहना है, अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़कर भी उतने ही तरक्की करते हैं, उतना ही आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा हैं, तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता है जिस तरीके से रुख विदेशों का कर रहे हैं भारतीय छात्र, उससे आगे आने वाले वक्त में वाकई भी ये चिंता की बात है कि ज़्यादातर छात्र वहाँ पर की तरफ रुख कर रहे हैं, ऐसे में चाहे कुछ ऐसे फैमिलीज़ भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आर्थिक तौर पर उतने सुदृढ़ नहीं हैं, लेकिन फिर जैसे तैसे लोन का बढ़ता दबाव है, पूरी जो रिटायरमेंट प्लानिंग सेविंग होती है उस तक को खर्च कर देते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि रुख बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे के कुछ कारण भी हो सकते हैं। जैसे लोगों को, बच्चों को खासकर ऐसा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ बेहतर होंगी। अगर आप कुछ देशों की बात करें, जैसे US हो गया या UK हो गया, वहाँ की बेस करेंसी ही अगर वैल्यू में ज्यादा है तो आप, जैसे बोलते हैं ना कि डॉलर में कमाई होगी या पाउंड में कमाई होगी तो द वैल्यू इटसेल्फ इज हायर। ये सारी सोच की वजह है जो मानी जा सकती है कि क्यों रुख उस तरफ बढ़ रहा है लोगों का जाने का। बट इसका एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट देखने लायक ये है कि हम अब्रॉड को क्या समझते हैं, क्योंकि हर पेरेंट जो है या हर स्टूडेंट जो है, अगर ये सोचता है कि हम अपने बच्चे को अब्रॉड भेज देंगे, तो जैसे भारत में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शहरों के बीच बहुत विविधताएं हैं। मतलब एक मुंबई का कॉलेज इज नॉट द सेम एज एक कानपुर का कॉलेज या एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर आप ये सोच रखेंगे कि अब्रॉड एक 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 गुट है जिसमें सब एक बराबर है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। US के कॉलेजेस, इनफैक्ट US के अंदर ही अलग अलग जगहों के कॉलेजेस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर इस क्लैरिटी, इस स्पष्टता के बिना अगर बच्चे या माँ बाप ये सोच रखेंगे कि हमें फॉरेन की तरफ भेजना है बच्चों को,
तो जाहिर सी बात है जो आज हो भी रहा है कि एक कई सारे बच्चे अपनी जॉब से वहां नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनकी जॉब एंटेल क्या करती है वहां पे। और दूसरी चीज ये भी है कि अब क्योंकि आप वहां चले गए हैं और आप वहां जॉब कर रहे हैं, वहां का ले ऑफ कल्चर अचानक से जब आपके ऊपर टूट पड़ता है तो जी आप हक्के बक्के रह जाते हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि अगर 2 लाख जॉब्स अचानक से चली गई हैं यूएस में, तो ना आपके पास घर है ना आपके पास लोग हैं वहां पे जी जो आपकी मदद कर सकें। तो अचानक से जब ये सारी चीजें होती हैं, तो मेजर चीज ये है कि बच्चे अनप्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि उनकी सोच में ये स्पष्टता नहीं है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और कहाँ एग्जैक्टली जाना चाह रहे हैं, किस जी कारण से। अब्रॉड जनरल टर्म बन गया, जी ये मानना है। विदेशों को लेकर एक अलग छवि भी है कि आप वहाँ जाते हैं, और जैसा कि आपने जागृति आपने शुरुआत भी की थी कि जो कमाई है डॉलर में जिस तरीके से वहाँ पर होती है। हमारे साथ गौरव वैष्णव भी हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, पढ़ाई भी उन्होंने यहीं से की है इंडिया से, लेकिन बाहर जाकर वो अपना बिजनेस उन्होंने खड़ा किया है। हम उनसे ये जानते हैं कि ऐसा क्या यहाँ पर वो पूरा अपनी एक सेटल लाइफ को उन्होंने शिफ्ट कर दिया पूरा बेस, क्या उन्हें डिफरेंस लगता है। जी गौरव देखिए ज्योति, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां से अलग हैं। अगर आप बात करें कि वहां की लाइफ, वहां पे हम बिल्कुल सेटल थे, यहाँ पर भी सेटल थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब बड़े शहरों में जाते हैं, चाहे वहां आप रहें चाहे आप यहाँ पर रहें, अपने घर से आप बाहर जाते हैं, तो आपको एक स्ट्रगल आपकी जिंदगी में होता ही है जब आप जिंदगी शुरू कर रहे होते हैं। जी तो हम जब जिंदगी शुरू कर रहे थे तो हमने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ आने की। हम बहुत प्रिपेयर्ड हम भी नहीं थे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी, और वो अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी इसलिए थी, जैसे कि अभी जागृति बता रहे थे कि बहुत लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनको कई चीजें पता नहीं होता, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी थी कि हम किसी शॉर्ट टर्म वीजा में नहीं आए थे, हम जी एक छात्र के तौर पर नहीं आए थे, हम यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर आए थे, जो कि एज गुड एज यहाँ का सिटीजन ही होता है। सिर्फ आप उस वक्त आप वोटिंग नहीं कर रहे होते, कुछ और राइट्स आपको नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बहुत अच्छी स्थिति पर यहाँ पर आए थे। उसके बाद हालांकि यहाँ पर स्ट्रगल था, जो मैंने कहा कि जो स्ट्रगल हम वहां पर कर रहे थे वो स्ट्रगल गौरव, हम यहाँ लेकिन पर। क्या वो अच्छी बात हम कह सकते हैं कि वहां पर रहने के बाद आपको ये लगता है कि हाँ मैंने मैं यहाँ पर इंडिया से बेहतर मुझे ये चीज लग रही है, वो मेडिकल के क्षेत्र में या बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम बात करें तो वो क्या अच्छी चीज आपको वहां लगी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में आप हम यहाँ पर एज परमानेंट रेजिडेंट आए, तो उनको हमको डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ती, हमें अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ती है। मैंने खुद पढ़ाई की है यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था आपको कि स्ट्रगल की है मैंने। मैंने बैंकिंग की शुरू में पढ़ाई की, क्योंकि जी मैं वहाँ पर मीडिया में था, और जब मैं यहाँ पर आया तो मीडिया की जॉब मिलना, क्योंकि बहुत छोटा मार्केट है हर चीज में, जी ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है, सो जॉब नहीं थी। तो बैंकिंग ट्राई किया, तो बैंकिंग में मैनेजमेंट सर्विसेज में मैंने डिप्लोमा किया यहाँ पर, उसमें मुझे रिबेट मिला क्योंकि मैं यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट था। सो ये सारी चीजें हैं, अगर आप सही वीजा पर यहाँ पर पहुंचते हैं, जी ये बहुत बड़ी बात है, जी वरना बहुत तो स्ट्रगल है। जी। डॉक्टर जवाहर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जवाहर, जिस तरीके से अभी हमें गौरव बता रहे हैं, और देखिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो यहाँ के स्वास्थ्य, अगर मेडिकल उसमें और एजुकेशन, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत कम पैसा लगना चाहिए एक नागरिक का, अगर वो अपने देश में उसे अच्छी पढ़ाई करनी है या उसे इलाज की ज़रूरत है, और इन्हीं दो पर जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है। तो ये माना जाए ये तमाम चीज़ें हैं जो छात्र इस तरीके से रुक कर रहे हैं। 78% सर्वे में ये सामने आया है कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा बाहर पढ़े लिखे, और फिर जब बच्चा बाहर पढ़े लिखने जाता है जो तमाम सुविधाएं जैसा कि गौरव ने जिक्र किया, जब उसे वो वहां पर यहां से बेटर मिलेंगी तो वो वहीं सेटल हो जाएगा। मानते हैं आप इस बात को। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे, माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा वहां पढ़े तो वहीं रह जाए, क्योंकि वहां पे उनको लगता है कि ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं जी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन ये जो 1% लोग या 2% लोग जो होंगे जी जो इमिग्रेट करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ छात्रों की बात कर रहे हैं तो इमिग्रेशन एक अलग विषय हो गया। हाँ, लेकिन छात्रों की अगर बात करें तो जिस तरह से ये बहुत ही विविध मार्केट है, क्योंकि जैसे आपने यूक्रेन की बात की या रशिया की बात की, जहाँ पे मेडिकल शिक्षा सस्ती है, लेकिन जी बच्चे वहां पे कई बार भुगतते हैं और वापस आके फिर बोलते हैं कि हमको यहाँ ले लीजिए, जबकि
जबकि उन्होंने डिसाइड किया कि वहां जाना है क्योंकि वो सस्ता है। तो कई बार सस्ते के चक्कर में बच्चे फंस भी जाते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा, क्योंकि सिर्फ अमूमन 2 लाख लोग जाते हैं यूएस, जो कि पहले 1,14,000 जाते थे, तो रुख तो बढ़ रहा है, लेकिन सब बच्चों को यूएस में मिलता नहीं है। एक दूसरी चीज ये कहना कि बच्चों के लिए यानी फीस कम लगता है, तो यूएस बहुत ही महंगा है, अनलेस आपके पास स्कॉलरशिप हो, जो एक बहुत छोटी सी रेशियो है, लेकिन अदरवाइज बहुत महंगा है यूएस। 24,000 यूएस डॉलर से लेकर 48,000 यूएस डॉलर एक भारतीय पेरेंट को देना, भले आपने जैसे कहा कि लोन लेके भेजते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये है, लेकिन हाँ अगर जाकर वहां पे वो पढ़ते हैं तो अच्छा है। और एक बात आपको सोचनी पड़ेगी, क्यों भारतीय बच्चे वहां जाके अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी स्कूल शिक्षा बहुत ही बेहतरीन फुटहोल्ड पे है, यहाँ से एक अच्छा फाउंडेशन बनता है, तब जाके उच्च शिक्षा में वहाँ भारतीय बच्चे अच्छा करते हैं, इस बात को नहीं मुकरना चाहिए। और अंतिम बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 50 विदेशी बेहतरीन विश्वविद्यालयों को भारत में आह्वानित किया गया है कि आप अपना कैंपस भारत में लगाइए, तो जो 24,000 यूएस डॉलर लग रहा है वो हो सकता है अगले कुछ सालों में 12,000 यूएस डॉलर में वो भारत में उसी विश्वविद्यालय में पढ़ सकता है। जी, नागेश बंछोर भी हमारे साथ जुड़े हुए। नागेश, आप टीचर ट्रेनिंग देते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस तरीके से छात्र, आखिर वो क्या वजह है आप मानते हैं कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में विदेशों का रुख करते हैं, साथ ही ये भी क्या आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव अगर हम भारत में ही देश में किया जाए तो फिर जो छात्रों का जो रुझान है बाहर की तरफ वो धीरे धीरे कुछ कम होगा और अपने देश में पढ़ाई करने के इच्छुक ज्यादा होंगे छात्र? ज्योति जी, दो सवाल हैं, तो दो मुझे दो जवाब देने होंगे। पहला तो कि क्या कारण है कि छात्र बाहर जाते हैं। ये जो सर्वे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मात्र 11,000 पेरेंट्स के बीच का सर्वे है और ये सारे के सारे एफ्लुएंट पेरेंट्स थे। एफ्लुएंट्स मतलब ये पैसे से बहुत अच्छे हिंदुस्तान के। ऐसे पेरेंट्स और इनके बच्चों के बीच में अगर विदेश जाने का जो झुकाव है, तो उसमें बच्चे का झुकाव यूजुअली अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। मतलब आप अपनी दिवाली को अपने परिवार के 50 सदस्यों के बीच में मनाना चाहते हैं या आप अकेले दिवाली मनाना चाहते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रीट्स एकदम क्लीन है, पानी साफ आता है, हर चीज टाइम पे होती है, चॉइस उनकी है। तो उन्हें लगता है कि ये जो हर चीज टाइम पे होती है, हर चीज साफ सुथरी होती है, जो हिंदुस्तान के मुकाबले बेहतर दिखती है मटेरियलिस्टिक टर्म्स में, वो उन्हें पसंद आता है, इसलिए वो जाते हैं। पेरेंट्स का कारण अपना अलग होता है, वो अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर ढूंढ रहे होते हैं। जो दूसरा आपका सवाल है कि ऐसा क्या करें कि इसे रोका जा सकता है, तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कोई इसे रोक सकता है या इसे रोकने की कोशिश भी की जानी चाहिए। नागेश जी, मेरा सवाल ये था, अगर अच्छे ऑप्शंस, उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलेंगी तो फिर वो क्यों जाएंगे? ज्योति जी, आप अच्छे ऑप्शंस क्रिएट करेंगे ना, तो बाहर से छात्रों का फ्लो हिंदुस्तान में होना चालू हो जाएगा। मुझे लगता है उस दिशा में काम होना चाहिए कि कल को ऐसी स्थिति हो कि लगभग 5 लाख विदेशी छात्र दुनिया के अलग अलग देशों से हिंदुस्तान में आके पढ़ाई कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। यहां से छात्रों को बाहर जाने से नहीं रोक सकते, इवन अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए माइग्रेट नहीं करता है, जो माइग्रेट करता है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री और बैकग्राउंड होता है कि वो क्यों माइग्रेट करता है। और अगर हम सारे इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो एड्रेस नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इनवर्ड माइग्रेशन की कोशिश करेंगे, हमारे पास IITs, IIMs, NITs, AIIMS जैसे इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक है, अगर ये चाहें तो छात्रों को इनवर्ड लाने की कोशिश करें। और ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो उसकी दिशा बदलनी चाहिए कि हम कैसे विदेशी छात्रों को भारत की ओर आकर्षित करें, ताकि जो फ्लो फिर दोनों ओर बने, अगर यहाँ से छात्र बाहर जाए तो बाहर के छात्र यहाँ पर भी आए। और ग्लोबलाइजेशन में ये होना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। ये ध्यान दीजिएगा, जापान में ये चिंता नहीं है या फिर यूरोप में ये चिंता नहीं कि यहाँ के छात्र यूरोप से यूएसए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए से यूरोप भी आ रहे हैं छात्र। चिंता हमारी है कि हमारे छात्र यूक्रेन जा रहे हैं और बांग्लादेश और श्रीलंका भी जा रहे हैं, और हम बांग्लादेश श्रीलंका जैसी जगह से भी छात्रों को यहाँ पे आकर्षित नहीं कर पा रहे। यूक्रेन और यूएसए से तो बहुत दूर की बात है। तो बेसिक फोकस एक पॉलिसी, जो जैसे डॉक्टर सूरी शेट्टी ने यहाँ पे पॉलिसी की बात की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मुझे लगता है अगर ऐसी ही पॉलिसी
एक नेशनल स्टूडेंट इमिग्रेशन पॉलिसी के रूप में तैयार की जाए और उस पर काम किया जाए तो हमें भी फायदा होगा और ये डिस्कशन ज्यादा वर्थ वाइल होगा। जी गौरव, आप मानते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्रांड को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, विदेशी ब्रांड को हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है, फिर वो हर चीज़ में देखा जा सकता है, क्या आप इस चीज़ इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए ज़्यादातर परिवारों का ये भी सोचना होता है कि बाहर जाकर बच्चा पढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, कंपनियाँ उसको तवज्जो देंगी, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं वो सबसे पहले तो ये मानकर आते हैं कि उनकी जो डेस्टिनेशन है वो यहीं होने वाली है, वो वापस जाने के लिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि वापस जाने के लिए आते हैं, और उसके पीछे उनकी जो कि सभी यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं वो सब बता रहे हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल उनको जीने की तमन्ना होती है। जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो यहाँ की शिक्षा और वहाँ की शिक्षा में ये फर्क है कि यहाँ की शिक्षा बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत छोटे से लेवल की शिक्षा भी बहुत प्रैक्टिकल है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और खुद अपने आसपास देखा है, क्योंकि हमें बहुत सारे साल नहीं हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं उनसे हमारे लिंक्स हैं, या जो भी छात्र होते हैं वो भी उनसे हमारे लिंक्स होते हैं। सो वो जो है जो छात्र वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर आते ही उनको पढ़ाई बहुत भारी पड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर पहले दिन उनसे प्लेजरिज्म का फॉर्म भरवाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये जो प्रैक्टिकल आपको घर से मिल रहा है इसको आपको खुद से करना है, खुद से सारी चीज़ें बनाकर लानी है, और ये आपकी अपनी स्टडी होनी चाहिए एक बहुत छोटे से लेवल पे। जबकि मैं डिप्लोमा कर रहा था, मैं उसकी बात ये बता रहा हूँ, आप बड़ी डिग्री की बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर और ज़्यादा बड़े स्केल में आपको ये करना है। सो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बात ये भी सही है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर आकर स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ बच्चे उस स्ट्रगल में स्किल्ड हो जाते हैं, और प्लस जैसे मैं अब बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ बच्चे काम करते हैं जो कि इंडिया के ही हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो अपने कॉलेजेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत स्किल्ड वर्कर्स की तरह काम करते हैं, अपना खर्चा भी निकालते हैं। जी डॉक्टर संदीप, जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग के लिए आपके पास आते हैं, क्या उनके आपसे, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और वो अपना फैसला भी बदल देते हैं, कई बार उनको इस तरीके से काउंसलिंग उनकी की जाती है कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा ये नहीं रहेगा, किस तरीके के सवाल ऐसे में उन स्टूडेंट्स के होते हैं जो बाहर की प्लानिंग कर रहे होते हैं? देखिए क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज से भी बचे जाते हैं, लोन उनको लेना पड़ता है, जो तमाम संपत्ति उनकी होती है, जो प्रॉपर्टी वो होती है, परिवार उस तक को बेच देता है बच्चे को विदेश में पढ़ाई करने के लिए। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, इंडिया में उनके लिए जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एक तो रिजर्वेशन के कारण और दूसरा लिमिटेड सीट्स के कारण एक्सेस नहीं हो पाता है, एडमिशंस नहीं हो पाते, तो उनको लगता है हम अगर कोई टीयर टू कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, टीयर थ्री में पढ़ने के बजाय हम और थोड़ा स्पेंड करें, लोन ले लें, लोन्स इजीली अवेलेबल हैं, हम जहाँ हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, पूरा ग्लोब ही एक ओपन है आजकल, ग्लोबलाइजेशन जो बात की सर ने, तो हम कहीं भी जाए, पेरेंट्स भी भेजने को रेडी हैं आजकल, पेरेंट्स भी इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि अगर बच्चे की अपॉर्चुनिटी, बच्चे को जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ उसको ग्रोथ मिल रही है, हम भेजने को रेडी, हम स्पेंड करने को भी रेडी है। तो अगर यहाँ पे इन लोगों को अच्छी एडमिशंस नहीं है, सीट्स कम है, रिजर्वेशन है, उस सब के कारण बच्चा जाना चाहता है बाहर, क्योंकि वो अच्छा करना चाहता है, यहाँ मिल सके तो बेटर, नहीं मिल सके तो फिर हम बाहर भी जाने को रेडी हैं, और पेरेंट्स भी स्पेंड करने को, लोन लेके भेजने को रेडी जी। नागेश, क्या ये आप मानते हैं जो बाहर से पढ़कर आया बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो इंडियन कंपनीज हैं वो उन बच्चों को पहले चूज करती हैं, क्योंकि बाहर से आने के बाद थोड़ी सी एमएस ज्यादा बढ़ जाती है, आपने बाहर से पढ़ाई की होती है तो आपको कुछ चीजों में कुछ कंपनियां ज्यादा तवज्जो देती हैं बजाय कि जो यहाँ से भारत से पढ़े हुए बच्चे होते हैं? तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बाहर से पढ़ाई की, मान लेते हैं उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई बाहर से की है, और कोई और एक छात्र है जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई इंडिया से की है, तो यूजुअली इंडियन कंपनीज इंडियन मैनेजमेंट स्टूडेंट को प्रेफर करती है रादर देन बाहर के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। और उसका कारण है, हमारा जो इंडिया का वर्क कल्चर है और जो विदेशों का वर्क कल्चर है वो काफी अलग है, खासकर हमारे देश के वर्क कल्चर में स्ट्रेस और एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेर इज जब आप विदेशों की बात करेंगे तो वहां पे
स्ट्रेस का जो फैक्टर होता है वो इंडिया के मुकाबले डेफिनेटली कमजोर है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको इसलिए भी बता सकता हूँ क्योंकि मुझे भारतीय छात्रों को भी पढ़ाने का मौका मिला है और विदेशी छात्रों को भी पढ़ाने का मौका मिला है। तो स्ट्रेस के लेवल में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इसीलिए इंडियन कंपनीज इंडियन एजुकेटेड स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं। तो जैसा कि हमारे एक साथी गौरव जी बता रहे थे, जो एक बार बाहर जाता है वो यूजुअली बाहर सेटल होने के माइंडसेट के साथ जाता है। आप बहुत कम देखेंगे, अगर 100 बच्चे बाहर जा रहे तो शायद इक्का दुक्का ही है जो वापस हिंदुस्तान आके नौकरी करना चाहेगा। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि अगर उन्हें अब्रॉड रहते हुए किसी पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ जाए, टेम्पररली कहीं रेस्टोरेंट में काम करना पड़ जाए, किसी शॉपिंग मॉल में सेल्समैन का काम करना पड़ जाए, वो काम करना पसंद करते हैं रादर देन अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से वापस इंडिया में आके जॉब पिक करना। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है, इसमें मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कंपनीज भी इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर करती है जब उन्हें इंडिया में जॉब देना होता है। जी नागेश जी, नागेश बंछोर आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागृति सुशेट्टी आपका भी शुक्रिया, जवाहर डॉक्टर जवाहर शुक्रिया, डॉक्टर संदीप कौर और गौरव वैष्णव जी हमसे बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, सवाल के जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस अभी हम जबलपुर में कुछ छात्रों से हमने बातचीत की थी, उनके अभिभावकों से भी बातचीत की थी हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने, क्या कहा उन्होंने आइए देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। आज हम जबलपुर में कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे कि ये बताइए अरुण कांत जी कि ये नया ट्रेंड आ गया है कि बच्चे चाहते हैं कि वो विदेशों में शिक्षा। असल में बात यह है कि विदेशों में उनको चार्म ज़्यादा नज़र आता है और वहाँ की शिक्षा की सुविधाएं और जो साधन उपलब्ध है वो भारत की अपेक्षा उसकी तुलना में बहुत अच्छे, इसलिए विद्यार्थी भ्रमित होकर विदेशों में जाते हैं, किंतु क्रमशः हम चाहते हैं कि भारत में उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका यह चार्म आगे न बढ़ पाए। अखिल मिश्र जी आप ये बताइए कि क्या है ये मामला, क्यों लोग चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उन्नति के लिए तो सब लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं और जहां पर उनको बेहतर लगता है, ऐसा लगता है उनको कि वैसा विदेशों में बेहतर है, इसलिए हम वहां पर जाकर हायर एजुकेशन लेंगे तो शायद हम और उन्नति कर सकेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वास्तव में देखें तो हमारे भारतवर्ष में जो पद्धति है हमारी शिक्षा की या जो प्रक्रिया है हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, उसके हिसाब से आगे उन बच्चों के भविष्य को देखने की बातें चाहिए हमारे देश में, हमारे देश में रोजगार के साधन उपलब्ध होना चाहिए। आपके बच्चों ने तो विदेश में ही शिक्षा प्राप्त की और अब वहीं सेटल हो गए, आपने कैसे अनुमति दे दी और क्यों दे दी? उसके कारण ये है कि जो स्थितियां हैं उस समय प्रिवेलिंग कर रही थी हिंदुस्तान में, अपने भारत में, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट बाहर वाली ज़्यादा करी। उसके पीछे जो भी सामाजिक और जो समाज का सेटअप है या जो जो इनकी सर्विस के कंडीशंस हैं तो उन सब कंडीशंस, और तीसरी बात है कि जब आदमी प्रोफेशन में जाता है तो पैसे के हिसाब से ज़्यादा देखता है, नौकरी के हिसाब में पैसा देखता है, प्रमोशन और प्रोग्रेस के चांसेस। तो प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये कह रहे हैं ज़्यादातर अभिभावक और स्टूडेंट्स पे। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।